नमस्कार दोस्तों, नित्या क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आखिरकार इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और हमारे जो भर्ती है 69000 यानी कि जो अब की 69,000 शिक्षक भर्ती है उसके लिए सरकार ने सूची जारी कर ही दी है। तो दोस्तों, मैं सब लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग अभी समय से अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरी हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही तैयार करके रख लें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम फटाफट जल्दी जल्दी जब एकदम आपको सूचना मिलती है कि आपको आज डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो सब बहुत जल्दी मारामारी मचती है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं डॉक्यूमेंट्स में कि आपको उसमें समय लग सकता है। तो अभी आपके पास समय है और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, सबको पूरी कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या क्या इसमें हम जरूरी दस्तावेज हमारे इसमें आने वाले हैं, तो उसके बारे में बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं इस भर्ती के ऊपर कि जो आपकी यूपी 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, आपको मालूम है कि ये मंगलवार को घोषित कर दिया गया था, मंगलवार को जारी कर दिया गया था। और ये आपका वो साइट है जिस पर से आपने यहाँ से वो रिजल्ट देखा होगा। ये वो साइट है, ये वाले यहाँ से, और यहाँ इसमें परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। कोई यहाँ पर आपको कोई विज्ञप्ति जो आई है उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, आगे नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए आ रही हैं इसका और बात करते हैं। तो इस परीक्षा पर एक नज़र डालते हैं थोड़ा सा कि परीक्षा के लिए पंजीकृत जो हुए थे वो हुए थे 431,466 अभ्यर्थियों ने इसमें पंजीकृत किया था, लेकिन उनमें से 409,530 जो थे वो आपके परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। इसके बाद अगर बात करते हैं, इनमें से 146,060 यानी कि लगभग 35% विद्यार्थी सफल रहे, 35.66% विद्यार्थी जो ये आपके आप स्क्रीन पर हैं इतने सफल रहे। और इसका भी आप देखते हैं, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज देखते हैं तो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी थे वो लगभग 36,614 इसमें सफल विद्यार्थी रहे। उसके बाद ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 84,868 विद्यार्थी इसमें सफल रहे। उसके बाद अगर एससी की बात करते हैं तो एससी में 24,308 विद्यार्थी सफल रहे। और इसके बाद एसटी की बात करते हैं तो एसटी में 270 अभ्यर्थी इसमें पास हुए। तो ये आपका अभ्यर्थियों का ब्यौरा था। और अगर कोर्स के अनुसार बात की जाए कि कोर्स के अनुसार तो इसमें डीएलएड कोर्स के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी जो थे वो बीटीसी करने डीएलएड यानी कि बीटीसी करने वाले वो 38,610 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं। और शिक्षा मित्र की बात करते हैं तो 8,018 शिक्षा मित्र हैं वो आपके सफल हुए। उसके बाद बीएड वालों की बात करते हैं तो बीएड वाले 97,368 जो विद्यार्थी थे वो सफल हुए हैं। उसके बाद अन्य पाठ्यक्रम करने वाले भी लगभग जैसे कहते थे कि समकक्ष वाले विद्यार्थी जो हैं वो 2,064 अभ्यर्थी इसमें सफल रहे। अब इसके बाद आपके बात करते हैं जो आपकी और जानकारी की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर रहा हूं आप लोगों को ताकि ये भूल ना जाए, सब कुछ आपको याद रहे। और यूपी में 69,000 सहायक भर्ती के लिए शिक्षकों के लिए जो आवेदन लिए जाएंगे वो आपके 18 मई से, यहां आपको मालूम है 18 मई से लिए जाएंगे। और उन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी वो आपकी 26 मई होगी, यानी कि अंतिम तिथि 26 मई 18 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आपके आवेदन पत्र भरे जाएंगे जो ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा। और इसमें 27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक फॉर्म की ऑनलाइन प्रोसेसिंग करके अंतिम मेरिट सूची बनाई जाएगी। ये सारी की सारी एक एक चीजें मैं आपको बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप बता रहा हूं ताकि कहीं भी आपकी कोई मिस्टेक ना रहे, और इनकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैं इस पर कोई पेन भी नहीं चला रहा हूं। ठीक, उसके बाद 3 से 6 जून तक जो आपकी काउंसलिंग होगी, जो आपकी काउंसलिंग होगी 3 से 6 जून तक, यानी कि आवंटित जिलों में अभ्यर्थियों को अपने प्रमाण पत्रों की जांच करानी होगी, यानी कि 3 तारीख से 6 तारीख तक आपके ये आपकी काउंसलिंग होगी। और काउंसलिंग के दौरान ही आपको नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। जो नियुक्ति पत्र है वो काउंसलिंग के समय वहीं से दिए जाएंगे। लास्ट टाइम जब भर्ती हुई थी आपकी तो उसमें योगी जी ने
वो अपने हाथ से सारे ज्यादातर दिए थे, लेकिन इस बार की कंडीशन देखो, लॉकडाउन है, ऐसी समस्या यहाँ पर आ रही है, तो इस वक्त वो जो है आपके नियुक्ति पत्र आपको काउंसलिंग सेंटर से ही यानी कि जिला स्तर पर ही नियुक्ति पत्र आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक, अब यहाँ इस काउंसलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो जो जरूरी दस्तावेज हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बता देता हूं कि यदि लॉकडाउन नहीं खुलता है, तो प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आपके पास आपको पास जारी किया जाएगा सरकार द्वारा, वो जिला स्तर कमेटी के द्वारा आपको पास की व्यवस्था की जाएगी, ताकि आप लोग जो भी कोई समस्या आती है लॉकडाउन में आप जा रहे हैं तो किसी तरीके की कोई समस्या आपको ना आए। अब बात करते हैं काउंसलिंग के लिए आवश्यक जरूरी दस्तावेज क्या हैं, उस पर बात करते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं काउंसलिंग के लिए उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जो आवेदन पत्र आप फिल करेंगे उसका आवेदन पत्र की फाइनल कॉपी, वो आपको बहुत जरूरी है। आवेदन ये आप, मैं इस पर कोई मार्क नहीं कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने फ़ोन से, जैसे वीडियो चलती है पुश करके वीडियो को, और यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और एक एक डॉक्यूमेंट्स आप अपना तैयार कर लीजिए। ठीक, सबसे पहले आपको जरूरी है आवेदन पत्र की फाइनल कॉपी, यानी कि जब आप काउंसलिंग से पहले जो 18 तारीख से 26 तारीख तक जो आप यहाँ पर फिल करेंगे तो उसकी फाइनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक, दूसरा आपके पास एक एफिडेविट होगा, लास्ट टाइम भी आपसे मांगा गया था और इस बार भी अभी एक एफिडेविट आपके पास होगा, आपको एफिडेविट चाहिए होगा, और एफिडेविट में यह है लिखा हुआ, यह है कि भाई आप अपनी मर्जी से जो भी यहां पर जिला चूज कर रहे हैं भर्ती के लिए, जो भी आप कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और भविष्य में कभी भी आप अपना ट्रांसफर करने के लिए अर्जी नहीं डाल सकते। ये इस तरीके का यहाँ पर जो एफिडेविट है वो इस तरीके का आपको बनाया जाएगा, उसका मैटर हम आपको दिखा देंगे बिल्कुल डेमो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं। आवेदन पत्र की कल की बात करते हैं, तो आवेदन पत्र की फाइनल कॉपी यानी कि उसमें जो जो भी आपके प्रविष्टि पूर्ण करनी है, कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, तो वो भी हम आपको बिल्कुल बताने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल फॉर्म आपके सामने लेकर आएंगे, जैसे ही फॉर्म खुलता है साइट पर तो हम तुरंत आपके लिए लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर एफिडेविट आप लोगों के बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि भीड़ भाड़ और समय को बचाते हुए जैसे मौका मिलता है अपने डॉक्यूमेंट्स एक एक करके तैयार करते रहे। उसके बाद आपके जितने भी शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं आपके पास, सभी आपके पास होने चाहिए, ओरिजिनल भी और उनकी कॉपी भी, सब चीजें। जैसे मान लिया बात करते हैं हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएट है, बीएड है, और क्योंकि आपने यहाँ पर फॉर्म फिल करते समय जो आपकी कट ऑफ बनती है वो आपके यानी कि उन्हीं का प्रमाण पत्रों का परसेंटेज ऑफ 60% परसेंटेज टू 60% को लेकर आप लिस्ट बनती है, तो वही डॉक्यूमेंट्स आपके सारे जरूरी हैं, और उसके साथ भी आपके जो भी आपने अलग से भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी फॉर्म में फिल करी हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन करते समय लिखी हो, वो भी वहाँ पर बहुत जरूरी होगी। उसके बाद यूपी टेट की मार्कशीट आपके पास होनी जरूरी है, या सीटेट की मार्कशीट, यूपी टेट सीटेट मार्कशीट होनी जरूरी है, सुपर टेट मार्कशीट आपके पास होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी जरूरी है। पांच नंबर पर आपका, चार नंबर पर यूपी टेट मार्कशीट या ऑब्लिक सीटेट मार्कशीट भी आ सकता है। ठीक, और नेक्स्ट पर आता है आपका सुपर टेट मार्कशीट, ये आपके पास सबके होनी जरूरी है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार करके रखे हैं, क्योंकि अब समय नहीं बचा हुआ है। और इसके बाद अगर बात करते हैं जो नेक्स्ट आता है, तो सभी प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी के दो सेट आपके पास होने जरूरी हैं। जितने भी प्रमाण पत्र हैं उनकी फोटोकॉपी होगी, उनके दो सेट आपके पास होने चाहिए, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि आपके द्वारा ही वो अटेस्ट होने चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, चार पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होने चाहिए, जो पासपोर्ट साइज के फोटो हैं वो चार होने चाहिए आपके पास। उसके बाद बैंक ड्राफ्ट, जो भी बैंक ड्राफ्ट मांगा जा रहा है वो बैंक ड्राफ्ट आपके पास होना चाहिए, जो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, ये इनके फेवर में होगा, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। लेकिन फिर भी कल का नोटिस आने का एक बार वेट कीजिए, हालांकि यही है
लेकिन फाइनल नोटिस जो आना है उसका आप वेट कर लीजिए। हो सकता है कि ड्राफ्ट में कुछ आगे पीछे, हालांकि कुछ नहीं होगा, केवल ओनली ड्राफ्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। और आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो आवेदन शुल्क आप सभी को मालूम है, जो एससी, जो आपका जनरल और ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए 500 रुपये और एससी और एसटी के लिए 200 रुपये है, और जो विकलांग कैटेगरी है उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क होगा। ये आपका आवेदन शुल्क है जो आपको सबमिट करना होगा। ये सारा का सारा ऑनलाइन प्रक्रिया होगी आपकी। और इसके बाद एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि फॉर्म भरते समय आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते समय सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपका जो आपका मोबाइल नंबर था उसकी, अपने मोबाइल नंबर को कि आपके पास वही नंबर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है। अगर मोबाइल नंबर किसी का चेंज हो गया है तो उसकी साइट अभी मैं आपको यहां पर नीचे दिखा रहा हूं, इस साइट पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको सारे जो फॉर्म की प्रक्रिया है वो पूर्ण होंगी। ये https://upbasic.edu/board.gov.in यानी कि इस साइट पर जाकर आप लोग जो भी इसकी प्रविष्टि है उनको पूर्ण कर सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं कि जो भी फॉर्म फिल करेंगे उस फॉर्म में जितनी भी प्रविष्टियां होंगी, जितने भी स्टेप्स होंगे, वो सारे सोच समझकर और जितने जिले आपको लॉक करने हैं उनको सोच समझकर लॉक कीजिएगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल आपको समय नहीं मिलने वाला है, फिर उसके बाद में चेंज करने का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया है कि उसमें हम कोई संशोधन आप नहीं कर सकते। जो आपका एक बार जिला आवंटन हो गया उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। और दूसरा एक बार और आपको बता देता हूं कि आवंटन कैसे करें, ये और एक बार जानकारी। तो सबसे पहले आवंटन करने के लिए आप लोग जो सूची, बहुत सारी वीडियोज डली हुई हैं लेकिन मैं इसी के माध्यम से उसकी भी जानकारी आपको दे रहा हूं, तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले जो आपका नजदीकी जिला है यानी कि सबसे पहला जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट कीजिए पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर इसके आसपास के, यहां ऐसे जो आसपास के जिले हैं ये इस तरीके से सर्कल बनाइए, आसपास के जितने भी जिले हैं उनको प्राथमिकता दीजिए। उसके बाद में अगर उसके बावजूद भी, क्योंकि वहां पर आपको एक से ज्यादा, आपके लिए जितने भी जिले हैं एक से ज्यादा वहां पर आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, और वहां कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट आप वहां पर फिल करें। हो सकता है तो 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट ही फिल करें। क्यों? क्योंकि जो आपने डिस्ट्रिक्ट फिल किए हैं अगर उसमें आपको वैकेंसी नहीं मिलती है तो सिस्टम जो आपका सॉफ्टवेयर होगा कंप्यूटर का वो ऑटोमेटिक अपनी मर्जी से आपको कहीं भी कोई भी जिला आवंटित कर सकता है। तो इसमें बिल्कुल आप यहाँ सपोज करो आप यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और आपने यहाँ तक के आपने फिल कर दिए लेकिन वो यहां तक आपका नंबर नहीं आया, तो सिस्टम में अगर वैकेंसी यहां मिलती है जाकर इस एंड पॉइंट पर तो आपको वो भी करनी पड़ेगी। ठीक, चलो, इसलिए बिल्कुल सोच समझकर उस हिसाब से कोशिश कीजिए 75 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनकी पूरी की पूरी जो कॉलम है सबको फिल कीजिए। ठीक, इसके बाद आपको क्या चुनना है, अगर होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास भी आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है तो क्या करें, हालांकि आपके चूज आपका मन है जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं कि जहां आपको मन हो कि मैं इस जिले में जाकर सेट होना चाहता हूं, मेरा डिस्ट्रिक्ट ये बड़ा बेस्ट है भाई, इस डिस्ट्रिक्ट में अच्छा रहेगा मेरे लिए, तो फिर आप उनको चुनिए, फिर आप उनको चुनिए चाहे वो नजदीक हो या दूर हो। तीसरे नंबर पर जो आप चुनते हैं उसको चुने कि जो आपके पास, उसके बाद उनको वरीयता दें यानी कि जो आप उनको पसंद करते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे आपका यहां दूरी बढ़ती चली जाएगी उनके दूरी के हिसाब से उनको बिल्कुल लगातार चेंज बाई चेंज करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इस स्टेप से यानी कि स्टेप वाइज समझ गए होंगे मेरी बात को, तो इसी स्टेप से आप लोगों को वहां पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको फिल करना होगा। तो दोस्तों, और लेकर आऊंगा फॉर्म में हमें क्या क्या भरना है, कैसे करना है, तो वो सारी चीजें मैं लेकर आऊंगा आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, और भी जानकारी बहुत सारी आपके लिए बार बार समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें।